हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपका आज का 16 मई का MSTCET 2023 का PCB का जो सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे बच्चों का पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का इजी गया, बहुत सारे बच्चों को बायो इजी लगा क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक रीडिंग की थी, और कुछ बच्चों को पेपर मॉडरेट लेवल का लगा। अभी तक पेपर एकदम हार्ड लेवल का नहीं आया है। हार्ड लेवल का क्या होता है मैम? हार्ड लेवल का यानी जब आपको कैलकुलेशंस देंगे या आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक सिर्फ ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे साइंटिस्ट कौन थे, डायग्राम्स का लेबल पूछा जा रहा है, मैच द पेयर करने बोला जा रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने बोला जा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके का पैटर्न मैंने आपको बताया था उसी पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत ईजी क्वेश्चन थे, पर मैं ऐसा बोलूँगी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आपके क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी एग्जैक्ट 20% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को हल्के में मत लेना, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ जो वेटेज मैंने बताया था उस हिसाब से। और लास्ट मिनट रिवीजन में क्या करना चाहिए, तो आपको डायग्राम के लेबल्स रिवाइज करने चाहिए जो मैंने आज सुबह बताया था, आपको साइंटिस्ट के नेम्स रिवाइज करने चाहिए, और आपको टेक्स्ट बुक में जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए ना वो रिवाइज करने चाहिए। उसके अलावा भी ज़्यादा कुछ करने के पीछे मत भागो क्योंकि अननेसेसरी टाइम नहीं है और स्ट्रेस बढ़ेगा, पैनिक बढ़ेगा। सो बस जो आता है वो अच्छे से करो। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लेवल का आ रहा है, बायो मॉडरेट लेवल का आ रहा है, अच्छे पेपर्स जा रहे हैं, सब कुछ पूछा जा रहा है, कुछ भी ओमिट नहीं किया जा रहा है। सो प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।